सज्जनों, आज बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों के बीच इस जिले के कलेक्टर साहब पधारे हैं, तो मैं आप लोगों की तरफ से ये हार उनकी खिदमत में पेश करता हूँ। धन्यवाद। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर हर बरस की तरह इस बरस भी कश्तियों की दौड़ होगी। आसपास के सभी गांव से अपनी अपनी कश्ती लेकर बड़े बड़े वीर और बहादुर पधारे हैं। ये कश्तियों की दौड़ उस किनारे से शुरू होगी और जाएगी उस किनारे पर खत्म होगी। तो पानियों का सीना चीर कर जो वीर जो बहादुर सबसे आगे निकल जाएगा, उसको कलेक्टर साहब अपने शुभ हाथों ई पुरस्कार इनाम देंगे। नाव की दौड़ शुरू की जाए। हर हर महादेव। गोपाल पहला नंबर आया है। हर साल की तरह इस बरस भी पुरस्कार गोपाल ने ही जीता है। वाह 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 गोपाल, बहुत बहुत मुबारक। शाबाश है गोपाल, शाबाश। सलाम कलेक्टर साहब। कॉन्ग्रेचुलेशन गोपाल, कमाल की नाव चलाई तुमने। भैया भैया, गोपाल इन कपड़ों में इतना हैंडसम लग रहा है, अगर अच्छे कपड़े पहनेगा तो कितना अच्छा लगेगा। हीरो लगेगा, हीरो। भैया भैया, भैया सुना तुमने, वो लोग क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? अगर तुम अच्छे कपड़े पहनोगे तो बिल्कुल हीरो लगोगे, हीरो। मुझे देख के खुश हो रहे हैं ना, इसीलिए आप लोग हंस रहे हैं। मैं अच्छा लगता हूँ? बहुत अच्छे। तो फिर हंसो ना। मेम साहब, मैं अच्छा लग रहा हूँ ना? नहीं, पर वो सब लड़कियां तो इसलिए हंस रही थी कि मैं अच्छा लग रहा हूँ। वो तुम्हारा मजाक उड़ा रही थी, तुम इतना भी नहीं समझते। देखो तुम पहले जैसे थे ना, उसी में अच्छे लगते थे, मुझे वही पसंद है। सच में साहब? हाँ।
अरे भाई कौन है, क्या चाहिए आप लोगों को? रहने के लिए जगह चाहिए। अरे बाबा जगह नहीं है, बंगला भरा हुआ है कॉलेज की लड़कियों से। लड़कियों से? ये तो और भी अच्छी बात है, हम लड़के हैं आपस में एडजस्ट कर लेंगे। क्या मतलब? ये मतलब। क्या मतलब? ये मतलब। अरे क्या मतलब? ये मतलब। अरे बाबा आप लोग मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं नोटों से। अरे जाइए, सारे बंगला आपका है, जाइए जाइए। अरे बाबा मैं तो अपने आप को एडजस्ट कर लूंगा। ए, कौन है आप लोग? मैं पूछती हूँ कौन है आप लोग? अरे अभी बताते हैं कौन है हम लोग। अरे हवलदार बाबू, लगता तुम में दम नहीं है। क्या बकवास करते हो? नहीं नहीं मतलब वो नहीं, ये खाकी वर्दी, ये सीटी, ये डंडा, ये भरपूर जवानी अगर हमारे पास होती ना तो गांव भर की छोकड़ियां हमारी खोली में होती। हाँ। अरे मुझे तो सिर्फ चित्रा के खोली में जाना है, मैं उसके गम में दिन ब दिन बूढ़ा होता जा रहा हूँ। तो काहे चिंता करते हो, उसकी खोली में हम तुमको पहुँचा सकते हैं। सच? हाँ, अगर हम झूठ बोले तो तोरा मुँह काला हो जाए। अरे भले हमारा मुँह काला हो जाए मगर हो चित्रा के साथ। अच्छा हाँ। तो फिर एक काम करो, बोलो निकालो। हाँ, निकालता हूँ। ये कहाँ निकाले हो? ये नहीं खाली करेगा क्या? ये निकालो। अच्छा हाँ। ये आ, आ, ये लो ये लो ये लो। एक अपने बाप की अर्थी का चंदा दे रहे हो, और निकालो। और बहुत बहुत कड़का आदमी है साला। अच्छा ये लो। और नहीं है? नहीं और नहीं है, बस इतना ही था। अच्छा ठीक है, ये वर्दी छोटी है जरा बड़ी चाहिए। हाँ तो तुम यही खड़े रहो, हम नहीं आते हैं। नहीं मतलब आते हैं, रात को तुम्हारा प्रोग्राम फिट कर देते हैं। देखो आज हमारा रात को प्रोग्राम बिल्कुल फिट कर देना। हाँ, बस तुम पांच मिनट में ठहरो, हम दो घंटे में आते हैं। अच्छी बात है। हटा यार। क्या बात है, नोट की खुशबू में मजा नहीं आ रहा है, कोई मरगवा है का? यहाँ इज्जत जात है और तो का मजाक सूझत है। इज्जत जात है? अरे हमरे होते हो तोरी इज्जत कैसे जा सकती है? पहले नहीं बोला, सीधे बोलो क्या बात। जीजा जी, तुमसे क्या छिपाने का, वो मकान मालिक आके धमकी दे के गया है, कल तक 2000 रुपए नहीं देंगे तो मकान किसी और को दे देगा, हमारे पहले के दिए हुए 3000 भी जब्त कर लेगा। अरे उसकी ऐसी की तैसी ऐसे कैसे जब्त कर लेगा, हम भी साला पुलिस वाला है कोई। चित्रा थोड़ी गड़बड़ है, वो 2000 रुपया कहाँ से आएगा, इसमें काम नहीं चलेगा। हम तो जाना था कि तुम कुछ नहीं कर सकते, अरे हमारी भूल थी कि तुम पर जवानी लुटाए दिए, अरे यही हम किसी और के लिए करते ना तो सारा गांव ला के हमें कदमों में डाल देता तुम उखाड़ के। जीजा जी आप चीजें के लिए इतना भी नहीं कर सकते। नहीं कुछ है नहीं तो कहाँ से। और फिर एक ही महीने की तो बात है, अगले महीने वापस कर देंगे। ऐसा एक ही महीने की बात है? हाँ हाँ। तो फिर तो कर देते हैं, लेकिन एक महीने में लौटा देना, नहीं तो मेरी इज्जत का कबाड़ा हो जाएगा। अरे राजा जब तू हमारी इज्जत बचाए रहा है तो हम तोरी इज्जत कैसन जाने देंगे। तो फिर ठीक है, हम तोरा काम कर देते हैं। आह